जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के सीए और एनआरसी का विरोध किया है। जबलपुर के गाजी बाग में पिछले एक सप्ताह से नागरिकता कानून के विरोध में महिलाओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। 26 जनवरी को एक हिंदू संगठन द्वारा तिरंगा यात्रा के दौरान माहौल गरमाया था। जिला प्रशासन ने तुरंत स्थिति को कंट्रोल में किया था। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिंदू संगठन के पक्ष में खड़े होकर सीए का विरोध करने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने अपनी नाराजगी पार्टी के नेताओं से करते हुए सामूहिक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। भाजपा के नेताओं ने अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं की बातों को तवज्जो नहीं देते हुए कहा था कि ये पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा की सदस्यता के दस्तावेज देते हुए पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मेरा नाम शाहिद अंसारी है। जैसा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कितने पुराने कार्यकर्ता हैं, जीएस ठाकुर साहब ने बोला कि हम नहीं जानते। ठाकुर साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि शायद जब वो बीजेपी में नहीं थे उतने पुराने कार्यकर्ता हैं हम। जब बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल नहीं होता था, जब से कार्यकर्ता है हम, जब हल्दर किसान इसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था, उस दौर से बाबूराव परांजपे के दौर से ओमकार तिवारी, तो दीपक उसके पहले दीपक था, हल्दर किसान हुआ, जब इसका नाम जनता पार्टी था, जब से हम लोग कार्यकर्ता, मतलब इसी में हम लोग ने पैदा हुए हैं। हमारे वालिद साहब जो बड़े पापा थे हमारे, पार्षद हुए थे, इसी वार्ड से पार्षद थे और उन्होंने संचालन किया कई, और हमने ओमकार महाराज के कई चुनाव का संचालन किया। और मैं आप लोग के माध्यम से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, आह्वान करता हूँ उनसे कि जिस हिसाब से आज बीजेपी के अंदर अपनी बातें नहीं सुनी जा रही हैं और प्रेशर बनाया जा रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि संविधान में अगर जिसको भरोसा है तो वो पार्टी से इस्तीफा दे के दूसरे बहुत से तरीके हैं फाइट करने, ऐसे फाइट करेंगे हम और अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, हम वतन के लिए, और जो हमारा प्यारा वतन है, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सोचा था, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पूर्व पदाधिकारी, चूंकि वर्तमान में संगठन का नया गठन हो रहा है, तो इस कारण से नगर अध्यक्ष डीएस ठाकुर साहब अभी चुने गए, इसलिए हम लोगों को अपने आप को पूर्व पदाधिकारी कहना पड़ेगा। तो उसके चलते हम आज पूर्व पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, और कितने पुराने कार्यकर्ता ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे बीच में ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो पंडित ओमकार प्रसाद तिवारी के समय के कार्यकर्ता हैं, बाबूराव परांजपे के समय के कार्यकर्ता हैं, हमारे बाबू एम्ब्राडे साहब, मैं स्वयं बाबूराव परांजपे के समय से लोकसभा चुनाव से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनके और विभिन्न पदों में पदाधिकारी रहकर कार्य किया हूँ। 20 साल से मेरे को भी हो गए हैं ज्यादा। चूंकि कल हम लोगों ने जब ये इस्तीफे का ऐलान किया था और मीडिया के माध्यम से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से आह्वान किया था कि ये बात कि हम लोग सीए एनआरसी के खिलाफ है और इस पे पुनर्विचार कर अमेंडमेंट लाने की मेहरबानी करें और कृपा करें, इस पे निवेदन किया था, तो हमारे मीडिया के माध्यम से ही हमें मालूम चला कि हमारे नगर अध्यक्ष साहब ने हम लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया और ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ही नहीं। हम लोगों ने कल के दिन भारतीय जनता पार्टी के सारे मुस्लिम समूह के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने एनआरसी और सीएए के विरोध पे अपने भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले हम लोगों ने उसका विरोध किया था। और हम लोगों को मीडिया और पेपर के माध्यम से ये पता चल रहा है कि हमारे नगर के अध्यक्ष जीएस ठाकुर साहब ये बोल रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस की षड्यंत्र है। आज हम लोगों को इस बात का महसूस हो रहा है कि जो सीए कानून लागू किया है और एनआरसी लागू किया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, आज हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हम लोग पहले उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि नहीं है, पहले हमें उसका प्रूफ देना होगा। और आज उसी प्रूफ के साथ हम लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं और अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। जितने लोगों की हम लोगों ने सदस्यताओं की जो सूची हम लोगों ने पेश की है वो 700 लोग हैं और लगभग 1200 से 1300 लोग आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।